तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौहान स्टंट एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आर्यन, मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बताने वाला हूं, आज की वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग इस चीज़ को बेहद लेके परेशान रहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं। भाई आपने, मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, वो आपने ऊपर थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं। तो गाइस, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपके लिए जो भी मैं आज बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने पहले हम आपको बता दें कि आपने अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना भाई जरूर। मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता हूं, आज जो मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं तो आप अपनी बाइक को कैसे चलाते हो या कैसे चला सकते हो। तो गाइस, ये सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि भाई ये तो बिल्कुल नया है और हमारी बाइक का पेट्रोल, जैसे काफ़ी लोग मैंने देखा है कि रास्ते में किसी की बाइक को वो लेके जाते हैं और रास्ते में उनकी बाइक बंद हो जाती है, अकस्मात पेट्रोल पंप काफ़ी उनके लिमिट से बाहर होता है, जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मिनिमम बाइक की जो कंट्रोलिंग होती है। तो हमारी बाइक की कंट्रोलिंग मिनिमम कितनी होती है? अगर आप ज़्यादा चौक में लगा लोगे तो बाइक आपकी 1 किलोमीटर पहुँच जाएगी, 2 किलोमीटर पहुँच जाएगी, इससे आगे नहीं पहुँच पाएगी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बाइक में अगर पेट्रोल नहीं रहता है तो आप रास्ते में कहीं फंसे हुए हो और आपको खींचने में काफ़ी दिक्कत आती हैं, या आपकी बाइक में काफ़ी देखा है कि काफ़ी बड़ी बाइकें होती है, जैसे अपाचे है, पल्सर है, या मतलब कोई भी बड़ी बाइक होती है, तो एक्चुअली हम लोग उसकी फ्यूल को मेंटेन में नहीं रख पाते हैं, तो ऐसा हमारे आगे होता है। तो भाई, मैं आज इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी बाइक को अपनी एरिया में जहाँ तक आपका पेट्रोल पंप है आप वहाँ तक लेके जा सकते हो। जो आपको वीडियो बताने वाला हूँ कि आपकी बाइक का पेट्रोल अगर खत्म हो जाए तो आप अपनी बाइक को कैसे अपनी लिमिट एरिया जो आपकी होती है, आपकी कंट्रोलिंग जो एरिया है, आप वहाँ तक कैसे लेके जा सकते हो। तो ये काफ़ी लोगों को मजाक भी लगता होगा कि भाई फेक वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपके लिए जो पॉइंट बताऊँगा काफ़ी मेंटेन करने के लिए होगा और काफ़ी प्रॉपरली एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल समझाऊँगा आपके लिए कि आप अपनी बाइक को किस तरह से कैसे वहाँ पर लेके जा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप, जैसे आपकी बाइक रास्ते में बंद हो जाती है और आपकी बाइक कोई बड़ी होती है, जैसे आपके पास में अपाचे है, 180 160 मतलब मिनिमम कोई भी बाइक होती है, उसके बारे में पल्सर है या करिश्मा है, जो भी आपके पास में बाइक है, आप अपने फ्यूल का मेंटेन नहीं रख पाते हो, तो भाई मैं आपके लिए बता दूं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है अपनी वीडियो को। और जो भी मैं बताऊंगा आज आपके लिए बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा कोई पॉइंट आपको मिस करें, तो मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। मैं बता दूं, जैसे कि आपकी, आपको लगता है कि कहीं रास्ते में आपके लिए फ्यूल मिल सकता है तो आप वहाँ पर पेट्रोल ले सकते हो बाइक अपनी यूज़ के लिए, आधा लीटर या 1 लीटर जहाँ तक है, आप, आपकी एरिया में टंकी नहीं पड़ती है तो आप वहाँ पे पेट्रोल का यूज़ कर सकते हो। बट आपके लिए ना तो आपके कहीं पड़ोस में जहाँ पे मिलता है बाइक पेट्रोल, वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, आपको टंकी भी दूर पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में काफ़ी लोगों के दिमाग में यह संशय हो जाता है कि भाई हमें खींचनी पड़ेगी बाइक को, तो जब हमारी बाइक जो हमें खींचने का नंबर आता तो भाई हमें काफ़ी शर्मिंदगी से भी महसूस होती है। तो भाई इसमें शर्मिंदगी कोई बात नहीं होती है, कभी कभी हमारी बाइक का मेंटेन नहीं हम लोग पेट्रोल का रख पाते हैं तो उसमें हमें दिक्कत होती है। तो भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए लेके आया हूं आपको बता दें कि आपकी बाइक जैसे होती है वो नॉर्मली हम लोग मेंटेन करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो मैंने देखा है काफ़ी लोग क्या होता है अपनी बाइक को जैसे तिरछा कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं 1 मिनट के लिए फुल ऑफ कर देता हूँ, जैसे ये हमारी बाइक है, हमें क्या है, जब हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी बाइक को ऐसे करके तिरछा कर लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने इस टाइप से करते हुए देखा है, उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ लोगों को मैंने आगे से उठा के या मतलब पीछे से उठा के बाइक को आगे, जिससे को हमारे पेट्रोल का जो साइड होती है वो हमारा एक साइड में आ जाता है, जिससे हमें दिक्कत नहीं होती है, हमारी थोड़ी बहुत बाइक जो होती है वो अपनी लिमिट में पहुँच जाती है। उसके बाद में जब हमारी बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग चोक भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारी बाइक में लगता है कि हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका है, हमारी बाइक में हम चोक यूज़ करके हम उसको बाइक को मिनिमम 2 किलोमीटर की रेंज में ले जा सकते हैं या 1 किलोमीटर की रेंज तक ले जा सकते हैं। जैसे जो तगड़ी बाइक होती है, जैसे हाई रेंज में जो बाइक है उनको 1 किलोमीटर आप मान लो, एक्सीलेटर ज़्यादा आप स्पीड में लो तो 2 किलोमीटर, उसके बाद में हमारी बाइक इससे आगे नहीं जा पाती है और हमारा पेट्रोल पंप जो है काफ़ी लिमिट में बाहर पड़ता है। और बाहर जब हमारे लिए कहीं रोड पर भी पेट्रोल नहीं मिलता है तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपकी बाइक जो है, आप लोग जब रास्ते में खींचते हो तो आपको कुछ शर्मिंदगी से महसूस होती है कि भाई हमें बाइक में पेट्रोल नहीं रहा, या हमारी बाइक जब कभी पंचर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जब बात पेट्रोल खत्म होने की आती है तो हमारे दिलों में, दिमाग में एक बात आती है कि भाई इसमें तो बहुत बड़ी हमारी बदनामी हो रही है कि हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, हम क्या करें और कैसे ना करें। तो भाई मैं, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ। आपकी बाइक जैसे खत्म हो जाती है तो आप बाइक को तिरछा करके अपनी जो बाइक का पेट्रोल दोनों साइड में होता है टंकी के बीच के होल का, तो वो आप एक साइड में कर सकते हो, जिससे कि हमारी बाइक जो है कुछ लिमिट में चली जा सकती है। उसके बाद में बात आती है कि हमारी बाइक के चोक की, तो आपने देखा होगा कुछ बाइक के चोक जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, कुछ बाइक के चोक नीचे की साइड में होते हैं, तो आपको इस चोक का यूज़ करके अपनी बाइक को स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के बाद में थोड़ी बाइक जब आपकी रनिंग करने लगती है उसके बाद में आपको क्या है कि चोक को छोड़ देना है, उसके बाद में एक्सीलेटर को ज़्यादा करके और अपनी बाइक को कुछ लिमिट तक ले जा सकते हो। बट आपको लगता है कि आप चोक में यूज़ करके उसके बाद में भी आप अपनी बाइक को वहाँ तक नहीं ले जा सकते हो, तो मैं आपको इसके लिए एक और ट्रिक बताने वाला हूँ।
जैसे ये आपकी बाइक होगी, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपको कोई भी बंदा जैसे दिख रहा है जो आपको लगे कि आपके कहने से बाइक रोक सकता है, आप उसकी बाइक को रोक सकते हो। और अगर वो आपके मान जाता है तो आप उसके साथ में, मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल परफेक्ट हो, और अगर नहीं कर पाते हो तो मैं आपको इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि मैं, आप चौहान स्टैंड अकेडमी में हो तो मैं आपके लिए एक एक पॉइंट वो चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो मैं आज से वीडियो जो भी अपलोड करूँगा वो बिल्कुल नॉर्मली होगा, हर बंदा यूज़ कर सकता है उन चीज़ों को, और जो बाइक बंदे नहीं चलाना जानते हैं मैं उनके लिए इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली बताऊँगा। तो बताते हैं आपके लिए, जैसे कि आपके, आपने देखा होगा कि रोड पर क्रॉसिंग जब हम लोग करते हैं तो रोड पर क्रॉसिंग करने के लिए हम लोगों को क्या होता है कि कोई बंदा जैसे हमारा है, जैसे हम हाथ दे के अपनी बाइक को रुकवा सकते हैं, और जब उसकी बाइक रुकवा लेते हैं तो उसके बाद में हमें थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है। भाई जब बाहर के एरिया में निकलोगे आप तो भाई थोड़े विनम्र बन के रहना पड़ेगा आपके लिए, जिससे आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, कुछ भी दिक्कत आ गई है, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, आप एडियट उसको कुछ भी बोल दीजिएगा। अगर वो आपकी हेल्प करने के लिए परफेक्ट है और आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ आप उसको, आप उसे हेल्प के लिए डिमांड कर सकते हो, और आप उसे बोल सकते हो कि भाई मुझे ये दिक्कत है, आप मुझे वहाँ तक ले जाकर छोड़ दीजिएगा। अगर वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं छोड़ मिलेगा, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को, मैंने देखा कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो दूसरे की बाइक का हैंडल हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ से पकड़ के ले जाते हैं, या बाइक का पीछे जो कैरियल होता है वाला ये चीज को पकड़ लेते हैं दूसरी बाइक का, जो वहां से हम लोग मेंटेन करके और पूरी बाइक को ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं जो भी ट्रिक बताऊंगा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, आपको ना किसी के हैंडल की जरूरत पड़ेगी ना आपको किसी के हाथ की जरूरत पड़ेगी, आप बस एक सवारी वाली जो बाइक आपकी दूसरी है आप उसको यूज कर सकते हो, और आप सिंगल सीटर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, और मैं अपनी वीडियो को थोड़ी लंबी जरूर करूंगा, बट आपके लिए जो भी पॉइंट बताऊंगा वो काफी ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगा और परफेक्टली। जैसे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैं, जैसे दूसरी बाइक आपकी जैसे कोई क्रॉसिंग करके आ रही है तो आप उसको रुकवा सकते हो, जैसे मैं ये मान लो मैं आपके लिए जो हेल्पफुल बताने वाला हूँ वो आज मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरी बाइक है जो आप लोग जानते हो, मैंने थोड़ा बस कुछ नहीं आज इसमें थोड़ी पेंट कर दिया, बाइक इसके अराइवल जो हैं वो मैंने चेंज कर दिया, बस थोड़ा बहुत जहाँ पे पेंटिंग था वहाँ पे कर दिया। जैसे ये बाइक है तो आपको क्या है कि इस बाइक को अगर जो इस पे बाइक पे ड्राइवर जो आया हुआ है, आप जिसको रोका है आपने बंदे को, अगर वो बंदा आपको उस पर सपोर्ट नहीं कर सकता तो मैं आपके लिए इसको ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल पास से आइए। आपको क्या करना है कि उस बंदे को सिंपल से बोलना है, आपको सिंपल से उस बंदे को बोलना है कि भाई आप उस बाइक पे बैठ जाइए। जब वो बंदा उस बाइक पे बैठ जाता है तो उस बाइक पे बैठने के बाद में आपको क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से पकड़ के ऐसे करना है या उसका हैंडल पर धक्का लगाना है या उसकी पीठ पे धक्का लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो ऐसा सिंपल सी बात है मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जैसे ये बाइक है आपने इसके पास में की, आप उस बंदे को बोलिएगा कि आप उस बाइक पे बैठ जाइए। जैसे मैं प्रूफ के तौर पर जब बाइक को राइड करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा जैसे किसी बंदे को बैठाना है उसके बाद में क्या करना है और इन बाइक को कैसे अपनी लिमिट एरिया तक लेके जाना है। तो ये जैसे मेरी बाइक है, आप इस बाइक पे बैठोगे दूसरी वाली बाइक पे, और दूसरी वाली बाइक पे बैठने के बाद आपको एक फुटरेस दिखती होगी, ये पास से देखिएगा। ये जैसे ये बाइक की जो जिसमें पेट्रोल मान लो खत्म हो गया है, उस बाइक का जो पीछे वाला जो पैड होता है, पीछे जो जिसपे हम लोग पैड रखते हैं सेकंड सवारी के लिए, तो ये वाला पैड है, इस वाले पैड पे आपको क्या करना है कि इस वाले पैड पे आपके लिए ये वाला पैर रखना है, यहाँ पे ये वाला पैर आपको यहाँ पे रखना है। और सिंपल सी बात है, अपनी बाइक को फर्स्ट गियर में लेना है। आप जब गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेते हो तो फर्स्ट गियर में लेने के बाद में आपको गाड़ी को धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे इसको छोड़ना है, क्योंकि बाइक वो बेसिक बंदा उस पर बैठेगा बट उसको क्या है कि ना तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा ना ही उसको क्लच लगानी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का हमें बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा। और आप जब भी बाहर निकलते हो तो पहली बात तो मैं आपके लिए ये चीज़ ये बता दूँ कि आप जब भी बाहर निकलते हो तो पहले अपनी बाइक को देख लीजिएगा कि आपकी बाइक, आपके बाइक में फ्यूल आपके मतलब के लिए है नहीं है, तो आपको रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप मिलता है आप वहाँ पे पेट्रोल डलवा सकते हो। तो बात हमारी आती है आगे की, तो हम लोग क्या है यहाँ पे पैर रख के और उसके बाद में हमें गाड़ी को मेंटेन करना, तो फर्स्ट गियर में जब गाड़ी को हम लेंगे और बाइक को स्टार्ट करने के बाद में जब भी गाड़ी की क्लच को धीरे धीरे स्लोली रिलीज करेंगे तो रिलीज करने में क्या होगा कि हमारी बाइक जो है ऑटोमेटिक ग्रो करने लगी। उसके बाद में हमें जब थोड़ी सी बाइक हमारी रनिंग करने लगती है तो रनिंग करने में हमें क्या होता है कि जब हमारी रनिंग कर जाए उसके बाद में हमें क्या है सेकंड गियर को यूज़ करना। सेकंड गियर में जब हमारी बाइक मिनिमम 20 की स्पीड हो जाए तो हम लोग को तीसरा गियर यूज़ करना है। तीसरे गियर को यूज़ करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक तीसरे गियर में चल रही है तो सही है, नहीं अगर चल रही है आपकी बाइक स्पीड में सही चल रही है, रोड भी सही है, आपको क्लियर मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे चौथे गियर को डाल के वहाँ पे और अपनी बाइक को रनिंग में चल जाइएगा। तो आप ऐसे किसी बंदे को जो आपकी लिमिट के एरिया में जा रहा है तो आप उसको रोक के और अपनी बाइक को अपने एरिया तक लेके जा सकते हो। जैसे मैं आपको इस चीज़ का पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोलो बाद में कि भाई जो आपने बताया था वो ट्रिक आपकी गलत है। मान लीजिए कि ये आपकी बाइक है और ये मेरी बाइक है और उस बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो मैंने अपने भाई को बिठाया हुआ है इस पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये बाइक है और उसमें पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा ट्रिक का यूज़ करना है और आपको ये वाला पैर यहाँ पे लगाना है, उसके बाद में आपको जितने भी ब्रेक की कंट्रोलिंग करनी है वो आगे वाली ब्रेक से करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बाइक कैसे रनिंग करेगी, कैसे आपको ग्रो करेगी, तो मैं आपको बताता हूँ।
तो गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये स्टंट कैसे करना है, और बेसिकली आपको ऐसा भी नहीं है इसमें कोई रिस्क रहेगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए कोई भी रिस्क नहीं होगा, आप कैसे भी चाहें वहाँ पर कर सकते हो, आपकी चाहे वो बाइक आपकी कच्चे रोड पर हो या पक्के रोड पर हो, चाहे खड़ंजे पर हो, कैसा भी आपके लिए रोड हो सकता है, आप परमानेंटली कर सकते हो। और आपको जो भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और मैं जो आपके लिए एक बात और बता दूँ, जो मैं आगे वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों, बताने वाला हूँ कि आपको बाइक को कैसे चलाना सीखना है, तो मैं आपको बताऊँगा कि बाइक चलाने के लिए आपको किस चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है और किन चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी बाइक को एक परफेक्ट ड्राइवर बन सकते हो। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।